जब हम मार्केट से डोनट्स खरीदते हैं तो हमें लगता है डोनट्स बनाना पता नहीं कितना मुश्किल काम है, लेकिन आज हम डोनट्स बनाने सीखेंगे और वो भी सिंपल से 5 स्टेप्स में। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वेलकम टू रितुस मिर्च मसाला, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी देर के चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए हमने गुनगुना दूध ले लिया है और पिसी हुई चीनी लेनी है हमने इसमें। ये ईस्ट है जो ब्रेड बनाने के काम आती है और ये आराम से किसी भी स्टोर में आपको मिल जाएगी आराम से। अब इसे हम करीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपकी जो 25-30 मिनट के बाद इस तरह की ईस्ट बनती है तभी आप प्रोसीजर को कंटिन्यू करें, वरना रहने दें। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हम इसके लिए डो बनाएंगे। और इसके लिए हमने सबसे पहले जो है वो मैदा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। चीनी पिसी हुई आप ले सकते हैं, इजीली आप घर पे उसे ग्राइंड कर सकते हैं। और ये एक चुटकी नमक लिया है मैंने, और मेल्टेड बटर या रिफाइंड ऑयल जो भी आपके पास है वही लेना आप। और ये जो ईस्ट हमने एक्टिवेट की थी उसी से हम डो है वो बनाएंगे। ये जो डो है और इसमें हमारा जो दूध है हमने थोड़ा सा और ऐड किया है। मैंने क्वांटिटीज इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी हैं, तो आप चेक कर सकते हो। आपको थोड़ा सा स्टिकी डो बनाना है ये ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा गुनगुना दूध, मैंने ठंडा दूध या गर्म ज़्यादा नहीं लेना है, गुनगुने दूध से इसका डो बना के रख देना है। इसे हम करीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद ये देखिए, ये इसका साइज डबल हो गया है। इसमें से पंच मार के मैंने उसकी सारी हवा निकाल दी है। और अब हम थोड़ा सा जो है रिफाइंड फ्लावर या मैदा डस्ट करेंगे और हाथों पर थोड़ी सी ऑयलिंग करके, क्योंकि जो हमारा आटा है जो बना है वो थोड़ा स्टिकी है अभी, तो इसे हमें हैंडल करने में इजी रहेगा। अब हम करेंगे क्या, इसको स्ट्रेच करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और फिर बैंग करेंगे। पहले हमने स्ट्रेच किया, फिर फोल्ड किया और फिर मारा। इससे क्या होगा, जो हमारा डो है जो स्टिकी है अभी फ़िलहाल वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और हमारा ग्लूटेन एक्टिवेट होने से जितने क्रैक्स वगैरह थे वो सारे के सारे उसमें से ठीक हो जाएंगे। अब धीरे धीरे देखिए, मैंने मैदा डस्ट करना बंद कर दिया है, मेरी फिंगर्स भी बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, ऑयल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये प्रोसेस 3 से 4 मिनट करेंगे, और 3 से 4 मिनट करने के बाद ये देखिए मेरा डो जो है वो कितना स्मूथ और सॉफ्ट बना है, कोई क्रैक्स नहीं है इसमें। ये रेडी है अब कटिंग करने के लिए। तो अब हम इसकी कटिंग करने से पहले इसको रोल करेंगे ताकि हमारे 2 इक्वल साइज के डो के पार्ट्स बन जाएं। एक पार्ट को जो है हम कवर करके रख देंगे और एक पार्ट से हम पहले रोटी या चपाती जो है मोटी रोटी वो रोल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम रोल करने लगे हैं, तो मैंने जो रोलिंग पेन है या जो बेलन है उसको मैंने ग्रीस कर देना है। और उससे पहले मैंने क्या किया है, मैंने हल्का सा मैदा जो है वो डस्ट कर दिया है काउंटर पर। काउंटर पर ही आप करोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो इसको जो है हम 1.25 इंच से ज़्यादा इसको नहीं बेलेंगे, 1/2 इंच मिनिमम और 1/4 इंच मैक्सिमम। अब कटोरी हम घर में, हमारे सबके घर में रहती है स्टील की कटोरी इस तरह की, तो इसको हम लेके, और एक बॉटल कैप मैंने ले लिया है सॉफ्ट ड्रिंक का, उसके ऊपर हल्का सा मैदा लगाकर मैंने उसको काट लिया है। उसी तरह से स्टील के ग्लास से भी हम काट सकते हैं। ये छोटे 2 डोनट्स बना दिए मैंने, तो आपको जो भी पसंद हो, बड़े या छोटे, आप कोई भी बना सकते हो। तो उसी तरह से कैप से मैंने उनको भी सेंटर से काट लिया। अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा है इसे हम रिमूव कर देंगे, जिसे हम बाद में फिर से यूज़ कर लेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरा बड़े और छोटे डोनट्स तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये प्रोसीजर मैंने आपके लिए सारा का सारा किया है, दोबारा से किया है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। और ये देखिए, 1.5 कप, सिर्फ 1.5 कप मैदे से हमारे कितने सारे डोनट्स जो है वो रेडी हो गए हैं। इसे अब हम
करीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद जो ऑयल है हम गर्म करके चेक कर लेंगे। अगर ये एकदम से ऊपर आ जाता है तो इट मीन्स हमारा ऑयल गर्म है। अब जो डोनट्स हैं हमने इसको मीडियम से लो फ्लेम पे करना है। ये मैंने बिगिनर्स के लिए किया है, कभी कभी हमें डर भी लगता है ऑयल से, तो आप पहले उसमें डाल सकते हो और फिर उसके बाद धीरे से उसे छोड़ सकते हैं। ये देखिए ये हमारे डोनट्स जो है वो सारे के सारे रेडी हो गए हैं। ये इसको अब आप देख सकते हैं कि मैंने सॉफ्ट डोनट जो है आपके लिए खोल के दिखाया है आपको। ये ध्यान रखिए कि पार्चमेंट पेपर पर ही हम जो है वो कटे हुए डोनट्स रखेंगे। अब ये जो चॉकलेट है मैंने डार्क चॉकलेट काटा है, अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल चॉकलेट भी ले सकते हो। ये पानी जो है 1.5 इंच जो है मैंने कर दिया है गरम, और इसके ऊपर ये बर्तन रख के मैंने जो है चॉकलेट को पिघलना शुरू करा दिया है। ये चॉकलेट हमारा मेल्ट हो गया, इसमें बटर भी डाला था हमने। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, वैसे मैंने जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी क्वांटिटीज़ डाल दी हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से सिंपल वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो। सो ये देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, डोनट को लेंगे और अच्छे से चॉकलेट की कोटिंग इनके ऊपर कर देंगे। सो ये देखिए ये हमारे डोनट्स कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब आप उनको अपने पसंद से कैसे भी इनको स्टिक मतलब डेकोरेट कर सकते हो। बस ये है कि जो बॉल्स हमने स्प्रिंकल करनी है वो साथ ही उसी वक्त ही कर देना और फ्रिज में इसको आप 15 मिनट के लिए रख देना। इसके बाद में ये देखिए ये लग रहे हैं डोनट्स घर पे बने हुए, यम्मी, बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही टेस्टी डोनट्स बनते हैं। आप अपने डोनट्स ट्राई करना और मेरे साथ अपनी पिक्चर्स ज़रूर शेयर करना, मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।